हेलो गाइस, तो ये है सिंथेटिक इनेमल हाई ग्लॉस फिनिश पेंट। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका 1 लीटर का प्रोडक्ट है, नेरोलैक का है। आप कोई भी कंपनी का सिंथेटिक इनेमल पेंट ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग है 350 रुपीज़। और अगर आप 1 लीटर का प्रोडक्ट में आपको इस्तेमाल करना है 300 ml थिनर, जो कि ये इसको टारपिन ऑयल बोला जाता है, थिनर टारपिन ऑयल। और अगर आप किसी वुड में इस्तेमाल करना चाहते हैं ये ऑयल पेंट, तो सिंथेटिक इनेमल पेंट जिसको ऑयल पेंट भी कहा जाता है, तो आप प्राइमर पहले इस्तेमाल करिएगा वुड के लिए। तो इसमें भी ये भी एक पेंट ही है, और इसमें भी आपको ये थिनर चला जाएगा जो कि टारपिन ऑयल कहा जाता है। और अगर आप किसी मेटल में इस्तेमाल करना चाहते हैं ये ऑयल पेंट को, तो आप ये प्राइमर, रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर इस्तेमाल करिएगा। इस ये भी 1 लीटर का प्रोडक्ट है। इसकी प्राइसिंग है आपकी 250 रुपीज़। इसमें भी 300 ml टारपिन ऑयल चला जाएगा। और अगर आप वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी प्राइसिंग मैं बता देता हूँ आपको एक बार, 246 रुपीज़। ये भी 1 लीटर का है। इसमें भी 300 ml टारपिन ऑयल चला जाएगा। और उसके बाद आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इसकी आपकी शाइन और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, अगर आप ये प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका प्राइमर कैसे इस्तेमाल किया जाता तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप ये ऑयल पेंट इस्तेमाल करना कर रहे हैं तो इसमें भी थिनर जाएगा 300 ml, जो कि टारपिन ऑयल भी बोला जाता है ये। तो ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपको थरली डाल के मिक्स करना है। थरली मिक्स करने के बाद ब्रश लगाना है, ताकि आपकी शाइनिंग भी बरकरार रहे। और नेरोलैक का तो आप प्रोडक्ट जानते हैं, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है नेरोलैक की। तो इस नेरोलैक आप कंपनी इस्तेमाल करिए, ताकि बहुत ही अच्छा है, अच्छा रहेगा आपकी। तो ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाता है प्राइमर। और ये मेटल के लिए इस्तेमाल है, ये वुड के लिए है। और उसके बाद आप ये कोई भी कलर आप इस्तेमाल करिएगा, तो उसके बाद ये इस्तेमाल करिएगा। तो थैंक यू गाइस। तो ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नीचे। तो चलिए, थैंक यू।